हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट क्रिकेट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ साल, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल उसकी धरती पर मिली जीत और फिर घर में इंग्लैंड को मात देने के बाद भारतीय कोच रवि शास्त्री ने बतौर कोच अपना कद ऊंचा किया है। बाकी स्टाफ के साथ उनका असर टीम के खेल पर साफ दिख रहा है। बहरहाल, आज रवि शास्त्री का जन्मदिन है और वह 59 साल के हो गए हैं। रवि शास्त्री ने भारत के लिए टेस्ट और वनडे दोनों मिलाकर 6938 रन बनाए और 280 विकेट लिए। चलिए, इस मौके पर हम आपको रवि शास्त्री के उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं जो शास्त्री को स्पेशल बनाते हैं। साल 1995 में शास्त्री ने प्रथम श्रेणी यानी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में महान सर गैरी सोबर्स का कारनामा दोहराते हुए एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया। यह छक्के शास्त्री ने बड़ौदा के खिलाफ तिलक राज के ओवर में लगाए थे। वास्तव में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 150 साल के इतिहास में सिर्फ दो ही खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया है। रवि शास्त्री टेस्ट इतिहास के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने नंबर 10 से लेकर एक नंबर पर बल्लेबाजी की है। शास्त्री ने उछल्ले बल्लेबाज से लेकर बतौर ओपनर खुद को स्थापित किया। ऐसा न शास्त्री के पहले कोई ऐसा बल्लेबाज हुआ और न ही बाद में जिसने नंबर 10 से लेकर ओपनिंग तक पहुंचा हो। शास्त्री ने भारत के लिए 80 टेस्ट मैच खेले और 14वें ही टेस्ट में शास्त्री भारत के लिए ओपनर बन चुके थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 128 रनों की पारी खेली। इसके बाद शास्त्री ने कैरियर खत्म होने तक अलग अलग क्रम पर बैटिंग की। बता दें कि शास्त्री ने 25 बार पारी की शुरुआत की। वह 8 बार नंबर 3 पर, नंबर 4 पर 2 बार, नंबर 5 पर 14 बार, नंबर 6 पर 40 बार, नंबर 7 पर 17 बार, नंबर 8 पर 6 बार और नंबर 9 पर कई बार खेलने उतरे। रवि शास्त्री भारत के लिए कैरियर का आगाज करने के कुछ ही समय बाद ही तब बड़े हीरो बन गए थे जब उन्होंने साल 1985 में हुए ब्रेसनन एंड हेजिस कप में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का टाइटल जीता। शास्त्री ने टूर्नामेंट में 182 रन बनाने के अलावा 8 विकेट चटकाकर भारत को खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। शास्त्री ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक विकेट लिया लेकिन मैच जिताने वाली 63 रन की पारी खेली। रवि शास्त्री को पहली बार न्यूजीलैंड दौरे पर चोटिल दिलीप जोशी की जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया था। उस समय शास्त्री कॉलेज के छात्र थे और उनकी उम्र महज 21 साल थी। हालांकि इस मौके को भुनाने में रवि शास्त्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में कुल 6 विकेट लिए। रवि शास्त्री का मजबूत गेंदबाजी अटैक के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 39.69 की औसत से 7 सेंचुरी लगाई। बतौर ओपनर शास्त्री ने 56.45 की बल्लेबाजी की औसत से 4 शतक लगाए। रवि शास्त्री के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मिनटों के हिसाब से सबसे तेज डबल सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड 2 दशकों से अधिक समय तक रहा। उन्होंने साल 1985 में मुंबई की ओर से खेलते हुए बड़ौदा के खिलाफ 113 मिनट में यह उपलब्धि हासिल की। वैसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि रवि शास्त्री ने महज 31 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। जबकि क्रिकेटर लगभग 40 की उम्र तक खेलने में विश्वास रखते हैं, उनके संन्यास की वजह थी घुटने में लगी चोट। पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके 71 साल बाद आखिर भारत ने 2019 में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। इस तरह रवि शास्त्री पहले भारतीय कोच और विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। तो ये थी रवि शास्त्री के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।